आज की वीडियो होने वाली है फिर से क्यू एंड ए। और आज की जो इस क्यू एंड ए सेशन में मैं आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ वो है रिगार्डिंग मनाली। जी हाँ, कि कुल्लू मनाली के लिए आपको मिनिमम कितने डेज रिक्वायर चाहिए। बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। मैक्सिमम जो भी हर वीडियोस में मनाली की रिगार्डिंग डालता हूँ तो उसमें ये क्वेश्चन होता ही होता है कि भाई कुल्लू मनाली के लिए हमें मिनिमम डेज कितने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में करने वाले हैं हम बात इसी बारे में कि कुल्लू मनाली के लिए आपको कितने डेज चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। Please click on subscribe button and hit the bell icon for latest updates. तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने केपिल एक्सपेडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं केपिल एक्सपेडिशन को सब्सक्राइब करें और साथ ही दबाएं बेल आइकन ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। तो फ्रेंड्स, बात जो हो रही है आज वो हो रही है कि कुल्लू मनाली के लिए आपको मिनिमम कितने डेज चाहिए। तो किसी के लिए ये 3 डेज भी हो, 3 डेज भी हो सकता है, किसी के लिए 5 डेज भी हो सकता है और किसी के लिए 7 डेज भी। डिपेंड करता है आपने कुल्लू मनाली में घूमना कहाँ कहाँ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बता दूँ कि वो डिपेंड करता है आपका कि आप विंटर में आ रहे हो, समर में आ रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर हैं जो डेज को बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं विंटर्स की, क्योंकि विंटर आने वाली है तो विंटर्स में आपको कुल्लू मनाली के लिए कितने दिन चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हो तो विंटर आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि विंटर में आपको स्नोफॉल मिलेगा ही मिलेगा मनाली में। तो अगर आपने अभी तक मेरी स्नोफॉल वाली वीडियो नहीं देखी है कि कौन सा मंथ बेस्ट होगा आपके स्नोफॉल के लिए, तो यहाँ ही बटन होगा, वहाँ जाके देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, विंटर के लिए याद रखना आपको मिनिमम 5 डेज चाहिए ही चाहिए कुल्लू मनाली घूमने के लिए। तो बता दूं कि आप किस तरह अपना ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे सफ़र की। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग होते हैं दिल्ली से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, तो फ्रेंड ट्राई करें कि सबसे पहला आप जो सफ़र है वो नाइट को करें, क्योंकि जब आप नाइट को सफ़र करते हैं तो आपको 12 आवर लग जाते हैं दिल्ली से मनाली पहुँचने को या फिर कुल्लू पहुँचने के लिए। ट्राई करें कि आप नाइट सफ़र ही करें और सुबह पहुंचेंगे आप मनाली लगभग सुबह अराउंड 7 to 8 AM। डिपेंड करता है, अगर आप वहां से 4 बजे स्टार्ट हो जाती है आपकी बस चलना, 4 से 5 बजे स्टार्ट, तो आप यहां पे लगभग 8 बजे तक पहुंच जाओगे मनाली। अगर आप थोड़ा लेट करते हो सफ़र स्टार्ट तो आप यहां पे भी लेट पहुंचोगे। तो डे 1 के लिए क्या करना है कि डे 1 जैसे ही मान लीजिए आप 8 बजे पहुँचते हो या 9 बजे पहुँचते हो, तो उसके बाद आप 2 घंटा रेस्ट कर सकते हैं होटल में। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, आपकी फर्स्ट डे जो है वो लोकल साइट सीन कर सकते हैं। उसमें आ जाता है हडिम्बा टेंपल आ जाता है, और बन विहार आ जाता है, मनु टेंपल आ जाता है, और मॉल रोड भी आ जाता है। और उसमें आप घूम सकते हो पूरा जितना भी लोकल एरिया काफ़ी अच्छा है। ओल्ड मनाली में बैठ के आप कैफ़े भी जा सकते हो, मॉल रोड भी घूम सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो, कुछ भी यू नो जो लोकली कर सकते हो वो करना चाहिए। तो सेकंड डे की बात है वो है सोलांग वैली। अगर आप दिसंबर के बाद आ रहे हो तो याद रखना कि आपको वहाँ स्नो मिलेगी ही मिलेगी, तो आप उस दिन आप सोलांग वैली में दे सकते हो पूरा टाइम। जी हाँ, बट यहाँ पे एक बात बता दूँ कि सोलांग वैली के बाद जैसे ही आप यू नो 2 बजे तक घूम लो सोलांग वैली में, तो उसके बाद क्या करना चाहिए, आपको जाना चाहिए वशिष्ठ, तो वहाँ पे लेना चाहिए आपको हॉट स्प्रिंग बाथ। जी हाँ, बहुत मज़ा आएगा, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा। वहाँ पे काफ़ी लोग सोलांग वैली में एक्टिविटी भी पूछते हैं कि कौन कौन सी कर सकते हैं विंटर में एक्टिविटी और कैसा रहेगा हॉट स्प्रिंग। तो यहाँ आई बटन है, वहाँ जाके आप उस वीडियो को भी बुक मार्क कर सकते हो और बाद में देख सकते हो कि कौन कौन सी एक्टिविटी हम सोलांग वैली में कर सकते हैं। तो फ्रेंड, दूसरा दिन याद रखना सोलांग वैली और वशिष्ठ घूमने में निकल जाएगा। तो फिर जो थर्ड डे है उसमें क्या करें, तो फ्रेंड थर्ड डे का ऑप्शन ये है कि आप घूमने को नगर जा सकते हो। नगर कैसल बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है नगर कैसल, और ज़्यादा हसल बसल भी नहीं होती और ब्यूटीफुल लोकेशन है। और वहाँ पे रॉरिक आर्ट गैलरी है, कुछ 1-2 पॉइंट है जो कि आपको घूमना चाहिए, और उसके आगे है जाना फॉल। तो सर्दियों में जब जैन में तो बंद हो जाता है, बट उससे पहले अगर आप आते हो अक्टूबर टू नवंबर तक या अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों मंथ में आप जाना फॉल तक जा सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल है वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फोर्थ डे की। फोर्थ डे में क्या कर सकते हो, आप वैष्णो टेंपल घूम सकते हो जो कि है कुल्लू में। तो कुल्लू से लगभग 3 मेन सिटी से लगभग 3 किलोमीटर है, बट जब आप मनाली से वापस आओ तो आप सीधा वैष्णो टेंपल जा सकते हो। रघुनाथ टेंपल, जी हाँ, रघुनाथ टेंपल भी जा सकते हो जो कि है कुल्लू के जितने भी देवी देवता हैं उनके राजा हैं, तो उनका ज़रूर दर्शन करना, क्योंकि वो अयोध्या से लाई गई है मूर्ति, तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है उस पर्टिकुलर टेंपल की। तो फोर्थ डे आप ये चीज़ कर सकते हो। फोर्थ डे अगर आपके पास टाइम बचता है तो यहाँ रिकमेंड करूँगा आपको मैं एक्टिविटी जैसे कि राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग। तो पैराग्लाइडिंग तो आप मनाली में भी कर सकते हो, बट राफ्टिंग के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप कुल्लू में ही करें, बहुत मज़ा आने वाला है। तो कुल्लू में पर्टिकुलर 2 जगह राफ्टिंग होती है, और अगर राफ्टिंग देखना चाहते तो फिर से आप आई बटन जा सकते हो और वहाँ से
आप राफ्टिंग की वीडियो भी देख सकते हो। राफ्टिंग जो हो है वो दो प्लेस में होती है, एक होती है बवेली में और दूसरी होती है आपकी बजौरा और जीड़ी के बीच में। तो वो दोनों ही लोकेशन बहुत ही खूबसूरत हैं, पर जो बजौरा और जीड़ी वाली लोकेशन है वो याद रखना, उसमें पानी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मनाली वाली में। तो आप कहीं पे भी मज़ा ले सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचता है। तो फ्रेंड जो लास्ट डे है, फिफ्थ डे, तो उसमें क्या कर सकते हो आप जा सकते हो मणिकरण कसोल। जी हाँ, मणिकरण विजिट कर सकते हो, और वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल आपका राम टेम्पल है, साथ में ही है गुरुद्वारा साहिब। पहले आपको पड़ेगा कसोल, तो आप कसोल भी घूम सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी एक आइटनरी जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आपके पास 5 डेज हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसके बाद बात करें हम समर की, तो याद रखना समर में थोड़ा सा आपके चेंजेस आएंगे, बट बहुत ज़्यादा चेंजेस बिल्कुल नहीं आएंगे। तो समर में वैसे भी आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, दिन बड़ा होता है, बट थोड़ा ट्रैफिक की प्रॉब्लम आएगी समर में। बट अगर हम उस ट्रैफिक को थोड़ा सा स्किप करें, और इस 2020 में तो बता दूं कि ट्रैफिक भी बहुत कम लगेगा, क्योंकि जो कुल्लू से मनाली का रोड है वो काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसके बाद बता दें हम कि अगर समर की बात करते हो तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर समर की बात करें तो 5 डे तो लगभग आपके ऐसे ही चल सकते हैं जो मैंने सारे बता दिए कि डे 1 क्या करोगे आप, डे 2 क्या कर सकते हो। बट उसमें एक ऐड हो जाता है रोहतांग पास। जी हाँ, और वो रोहतांग पास वाली अभी टिल 10th और 15th नवंबर तक भी कर सकते हो आप उसको, सेम जो आप करोगे आगे समर में जाके, क्योंकि 15th ऑफ नवंबर तक रोहतांग पास खुला होता है। तो फ्रेंड्स अगर मैं अभी की अपडेट बता दूं, जो 30 सितंबर है, और तो फ्रेंड्स कुछ दिनों में शायद रोहतांग पास में आपको काफ़ी अच्छा स्नोफॉल मिलेगा। करना चाहते हैं स्नोफॉल का एंजॉय, तो आपको रोहतांग पास जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स वही बात है आपका, रोहतांग पास में एक अगर आप समर में आ रहे हो या फिर टिल नवंबर 15 तक आ रहे हो, तो आपका एक दिन बढ़ जाएगा। तो 6 डे 5 नाइट्स मिनिमम आपको करने ही चाहिए, बिकॉज एक दिन जो पूरा का पूरा दिन आपको रोहतांग पास के लिए लेना ही पड़ेगा। सुबह आपको 3 से 4 बजे स्टार्ट करना पड़ेगा, और टिल आप शाम को लगभग 4 से 5 या मे बी 6 से 7 बजे वापस पहुंच पाओगे। तो एक दिन पूरा आपको रोहतांग पास विजिट करने के लिए लग जाता है। तो उसके लिए आप रोहतांग पास जा सकते हो, वहाँ पे गुलाबा है, मड़ी है, तो कुछ एक पॉइंट्स आते हैं बीच में तो काफ़ी अच्छे हैं। और सीनरी की बात कहूँ, रोहतांग पास आपकी जो सोल को फीड करने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स यहाँ बता दूँ, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ लोकल साइट सीन करना है, जैसे कि मनाली हो गया, मनाली का लोकल साइट सीन, और सोलांग वैली हो गया, और एक रोहतांग पास होगा, तो आपको 3 to 4 डेज ही काफ़ी हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि हम थोड़ा डीप जाएँ, काफ़ी अच्छी जगह और भी घूम लें, क्योंकि कुल्लू मनाली बहुत बड़ा है, तो आप शायद ही 10 दिन में क्या 15 दिन में भी उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। वो डिपेंड करता है आप पे, आप क्या क्या करना चाहते हैं और कितना दिन है आपके पास। तो कम से कम मिनिमम याद रखना 3 डेज चाहिए ही चाहिए आपको मनाली विजिट करने के लिए, और मैक्सिमम डेज की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि कुल्लू मनाली बहुत बड़ा है और उसको कंप्लीट करते करते बहुत टाइम लग सकता है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है रिगार्डिंग कुल्लू मनाली के, या फिर और भी शिमला से, धर्मशाला से, अगर आप पूरा हिमाचल ट्रिप भी चाहते हो कि अगर हमें पूरा हिमाचल ट्रिप करना है तो और मेन मेन डेस्टिनेशन घूमनी है, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना अपने क्वेश्चंस, और मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड स्टे सेफ।